फिरोजाबाद के आज पालीवाल हॉल में टैलेंट ऑफ द ईयर नाम के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में फिरोजाबाद के किड्स कॉर्नर स्कूल के प्रबंधक मयंक भटनागर भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था शहर के उन टैलेंट को बाहर लेकर आना और एक मंच देना जो कि आज तक घरों के अंदर छुपे हुए थे। फिरोजाबाद से स्वराज सिंह, SKH न्यूज। शैलियों में उन्होंने अलग अलग टैलेंट्स को चिन्हित करने की कोशिश करी है। फिरोजाबाद के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, उनके अंदर जिस तरीके का एक टैलेंट, उनके अंदर प्रतिभा जो भरी हुई है उसको बाहर निकाल के लाने की बहुत ज़रूरत है और जिसके लिए इस संस्था ने बहुत प्रयास किए हैं और इस प्रयास को वाकई मैं सराहता हूँ कि इस तरीके के प्रयास में जारी रखें, क्योंकि हमारा ज़िला अभूतपूर्व टैलेंट से भरा हुआ है और अगर उनमें से हम निकाल के लेके आएंगे तो एक दिन हमारे यहाँ फिरोजाबाद की कोई ना कोई प्रतिभा राष्ट्रीय मंच पे पहुँचेगी। यंग टैलेंट जो यर कर रहे हैं उसमें आपके यहाँ देखने को एक खास चीज़ मिली, यहाँ फैशन लेवल की जो शो भी कराएगा उसमें क्या रोल रहेगा आप लोगों का और क्या संदेश देना चाहते हैं फिरोजाबाद की आवाम के लिए? सर, जो स्कूली हमारे बच्चे हैं काफ़ी टैलेंटेड बच्चे थे जिन्होंने जो पार्टिसिपेट किया, जो बच्चों ने, तो हम टैलेंट को शो ऑफ करना चाहते हैं। जो टैलेंट हमारे बीच छुपा हुआ है हम उसको टैलेंट को शो ऑफ करना चाहते हैं आप सभी लोगों के सामने, जैसे कि हमारी मीडिया, हमारे पत्रकार भाई, हमारे बच्चों का, जो बच्चे आज पार्टिसिपेट किया है उनका टैलेंट को शो ऑफ करें। मैं इरशाद कुरैशी, ये टीम इरशाद के नाम से जो शो ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरे शो में आने का। फिटनेस के तौर पर आपने यहाँ किस तरीके के यहाँ पर टैलेंट दिखाया? सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिरोजाबाद बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन से मैं प्रेसिडेंट हूँ और फिटनेस को लेकर मैं काफ़ी एक्साइटेड रहता हूँ और मैं फिटनेस को लेकर मैं आगे भी और भी गेम कराना चाहता हूँ और आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा, इंशाल्लाह आगे भी गेम होते रहेंगे ये फिटनेस के लेके, क्योंकि जो भी बंदा फिटनेस को लेकर इंटरेस्टेड है वो
बुराइयों से बचकर अच्छा ही उतर पाता है जब वो अपनी बॉडी को बनाता है। बन गया अपना, और आप एक टांग से विकलांग भी हैं और आपके खूब चर्चा भी रहे, उसमें क्या विशेषता रही और क्या मेहनत की आपने? मैंने मेहनत बहुत टाइम से की और लगा रहा इसमें, काफ़ी मुझे मेहनत पड़ी इस काम में आगे बढ़ने के लिए। मैंने बहुत कोशिश की, मिस्टर फरजाबाद भी 3 बार पंचुका सुन लिया, फिर मुझे रियाज भाई का सपोर्ट मिला। रियाज भाई की सपोर्ट से मैं काफ़ी दिन तक खेला, उन्होंने मुझे पूना भेला मिस्टर इंडिया की, वहाँ मिस्टर इंडिया में 4th place भी पड़ा। इसमें मैंने काफ़ी मेहनत करी और इससे मुझे ये लगा कि मैं विकलांग नहीं हूँ, क्यों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं सही हूँ। और जो नहीं है विकलांग, उनको इस बात का सबक लेना चाहिए कि मैं बॉडी बना सकता हूँ तो वो क्यों नहीं। हमारे फिरोजाबाद के अंदर लड़के काफ़ी ऐसे हैं जो नहीं करते हैं और करते भी हैं, जो करते हैं वो गलत शौकों में रहते हैं। मैं उनको ये देना चाहता हूँ कि मेहनत करो, अच्छी बॉडी बनाओ, अपनी सेहत को बनाओ।